हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप विद प्रियंका। तो आज मैं आप लोगों के साथ, हम लोगों का जो डे वन अंडमान में है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखे कि कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर हम लोग कैसे आए हैं और हम लोगों का जो रिसॉर्ट है वहाँ पर कहाँ पर हम लोग रुके हैं, जो है मेगापोर्ट रिसॉर्ट। पूरा जगह मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो टू माई चैनल, क्लिक द वीडियो एंड वॉच द वीडियो। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पोर्ट ब्लेयर में हम लोगों को चाहिए था एक स्कूटर। तो स्कूटर हम लोग मेगापोर्ट रिसॉर्ट से ही बोले थे कि किसी को एक बार फ़ोन करके बोलने के लिए कि स्कूटर हम लोगों को हायर करना है। तो वो लोग, उन लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ से फ़ोन करके हम लोगों को ये स्कूटर के लिए ऑप्शंस दिए। हम लोग ये स्कूटर हायर कर रहे हैं। 500 रुपीज़ पर डे का ये है और 2000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर जब पूरा दिन के बाद जब आप स्कूटर जब लौटाएंगे इन लोगों को, तो आप लोगों को 1500 आप लोगों को फिर से दिया जाएगा और 500 वो लोग रख लेंगे। निकल चुके हैं हम लोगों के रिसॉर्ट से, मेगापुर जो रिसॉर्ट है हम लोगों का, तो वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग एक्चुअली सेलुलर जेल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के लिए। कि सेलुलर जेल का यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाइट शो, जो लाइट एंड साउंड वाला जो शो है, वो अभी बंद है, और कोई बोल रहे हैं कि कल भी हुआ था। तो इसलिए हम लोग कन्फर्म करने के लिए अभी जा रहे हैं सेलुलर जेल के वहाँ पर, कि एक्चुअली वहाँ पर रात में या शाम को ये लाइट और साउंड वाला शो जो है वो होगा कि नहीं। अगर होगा तो वो हम लोगों का एक्चुअली आज के प्लान के लिए ही है, तो इसलिए सुबह वाला नहीं देखेंगे, कहीं और चले जाएंगे सिलेंडर जेल। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और बहुत भूख भी लगा है, देखते हैं लंच भी अगर कर लेंगे तो अच्छा होगा हम लोग भी। तो चलिए चलते हैं। ज़रूरत है सामने वाले का भी, पीछे वाले का भी, बिकॉज पीछे वाला अगर हेलमेट ना पहने तो 2000 फाइन आपका लगता है। तो इसीलिए हेलमेट इज मैंडेटरी। ओके, और बैड लक कि अभी सेलुलर जेल का नाइट वाला जो लाइट एंड साउंड वाला जो शो है वो अभी बंद है, क्योंकि लाइटिंग का काम हो रहा है। 2 महीना लगेगा, 1 अगस्त से बंद है ऑलरेडी, तो इसके लिए 2 महीना लगेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भैया ने बोला कि ये अगर लाइट और साउंड देखने के लिए आपको अगर आना है तो 2 महीने के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी सेलुलर जेल ही घूमेंगे, देखते हैं अंदर क्या है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। इट्स अ फेमस प्लेस ऑफ पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए चलते हैं। सेलुलर जेल, सेलुलर जेल ऑफ अंडमान आइलैंड, जो कि काला पानी, दैट इज़ ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है, ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल जेल है। द जेल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1896 एंड 906। यहाँ 200 कैदी को ट्रांसपोर्ट किया गया था अंडर द कस्टडी ऑफ द जेलर डेविड बेरी एंड द मेजर जेम्स पैटिशन वॉकर, जो एक इंडियन मेडिकल सर्विस डॉक्टर थे। सेलुलर जेल, विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ एक्सक्लूशन एंड आइसोलेशन विद इन अ मोर ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूटेड रिमोट पेनल स्पेस, द ओरिजिनल बिल्डिंग वॉज अ प्यूस कलर ब्रिक बिल्डिंग। द ब्रिक्स यूज टू बिल्ड द बिल्डिंग वेयर ब्रॉट फ्रॉम बुर्मा। द बिल्डिंग हैड 7 विंग्स, एट द सेंटर ऑफ विच अ टावर सर्व्ड एट द intersection. The wings radiated from the tower in straight lines, much like the spoke of a bicycle wheel.
अब यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर सारे फ्रीडम फाइटर्स का सबका नाम लिखा है, जो लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना जान गंवाए थे या फिर यहाँ पर आके जिन लोगों को जेल में रखा गया था, जिन लोगों को टॉर्चर किया गया था, यहाँ पर पूरा डिटेल्स जब आप आएंगे यहाँ पर उन लोगों का हिस्ट्री सब कुछ आप लोगों को दिखेगा कि कैसे ये लोग मतलब यहाँ पर आए, पकड़े गए, कौन कौन थे। मैक्सिमम आपको वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल का, पंजाब का मैक्सिमम आप लोगों को वो दिखेगा कि कैसे वो लोग पकड़े गए, कहाँ से आए, क्या है उन लोगों का हिस्ट्री, सब कुछ आप लोगों को दिखेगा ये पूरा गैलरी पर। यहाँ पर पूरा एकदम बहुत बड़ा गैलरी है जहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं इन लोगों का डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग बहुत कुछ आप लोग जान सकते हैं कि कौन कौन रहते थे, कौन कौन थे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैदी लोगों का जो ड्रेस रहता था वाइट कलर का, तो ये भी रखा हुआ है, तब से यहाँ पर ही ये लोग सजा कर रखा है। जो यहाँ पर जो पुलिस लोग थे, जो गार्ड लोग थे, वह उन लोगों का ड्रेस, उन लोगों का बेल्ट सब कुछ दिखेगा आप लोगों का। देखिए ये टोपी जैसे एक पुलिस का रहता था, तो जैसा पहले था, जैसे वो लोग रहते थे यहाँ पर, सब कुछ है। यहाँ पर जो ताला दिख रहा है, चाबी दिख रहा है आप लोगों को, ये भी इसी ताला और इसी चाबी से वो लोग लॉक करते थे कैदी लोगों को, और सब कुछ यहाँ पर एज अ म्यूज़ियम के हिसाब से ये लोग रखे हुए हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये टोटल जो सेलुलर जेल है ये कैसा दिखता है। यहाँ पर जब कैदी लोग आते थे यहाँ पर कहाँ पर किन लोगों को कहाँ पर रखा गया था, कैसे रखा गया था, मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए पूरा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप लेफ्ट में जो दीवारें जो देख रहे हैं, यहाँ पर तीन लेयर का एक दीवारें हैं, जो एकदम लोअर में, एक मिडिल में, एक अपर में। लोअर में जो दीवारें हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब एक कैदी को लाया जाता था तो वहाँ पर इन लोगों को रखा जाता था एकदम नीचे में, और जो लोग यहाँ पर नीचे रहते थे तो इन लोगों को बाहर निकलने का कोई परमिशन नहीं था, मतलब टॉयलेट करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं था। खाना पीना सब कुछ इन लोगों का नीचे में ही होता था, और जो लोग मिडिल में और जो अपर में रहते थे वो लोग बाहर निकलते थे, जो काम था जेल का, जो लोग काम करते हैं, जो कैदी लोग जो काम वाम करते हैं, तो वो लोग सब कुछ वो कर सकते थे। बट जो नीचे में एकदम जो नीचे रहते थे उन लोगों को बाहर निकलने का या फिर सनलाइट देखने का कोई भी परमिशन नहीं था। तो यही था कहानी जो मुझे पता चला। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो गार्ड से हम लोग को पता चला कि ऐसा हुआ करता था उस टाइम पे, जो जब लोग जब कोई बाहर से कोई अगर कैदी आते थे तो उन लोगों को कैसा रखा जाता था। ये वाले बोर्ड पे आप लोगों को सेलुलर जेल का पूरा मैप दिखेगा, और यहाँ पर सेलुलर जेल का पूरा डिटेल्स देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पूरा है, पूरा नक्शा किया हुआ है। तो हम लोगों का सब कुछ देख चुके हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे सेलुलर जेल से। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं सेलुलर जेल से। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कि हम लोगों का लंच का टाइम हो गया है, तो हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर लंच करते हैं हम लोग। एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हैं जिनका नाम है, तो चलिए सी सॉन्स मल्टी क्विशन रेस्टोरेंट। तो भूख लगा है तो चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं खाने के लिए, खा के फिर हम लोग चलेंगे चिड़िया टापू बीच। ठीक है, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
सो फाइनली हम लोगों का लंच हो गया है। तो लंच उतना अच्छा नहीं था, खाना उतना भी अच्छा नहीं था, पर क्या करें, हम लोगों को भूख लग गया था तो कहीं पर भी बैठ के हम लोग कुछ भी खा लेते, तो इसीलिए हम लोग खा लिए। तो खा के अभी हम लोग जा रहे हैं चिड़िया टापू बीच। तो चलिए चलते हैं। ये जो सफ़र है, ये जो मतलब जो रास्ते हैं टूअर्स चिड़िया टापू, आपका नियर बाई 45 मिनट्स टू 1 आवर आपका लग ही जाएगा। मेरे एटलीस्ट मेरे होटल से, मेरा मेगापोर्ट रिसोर्ट जो होटल है वहाँ से आप लोगों का उतना तो टाइम लग ही जाएगा, थोड़ा दूर है। लेकिन ये जो सफ़र है, जो रास्ता है, तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों को पूरा ही व्यू दिखाऊंगी। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितना अच्छा वेदर है, कितना अच्छा मौसम और कितना अच्छा लोकेशन है। मतलब रास्ता सही में बहुत ही अच्छा है, बहुत क्लीन है। और मतलब जब आप स्कूटर या फिर बाइक से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का नज़ारा ही कोई बहुत डिफरेंट लगेगा। आप लोगों को बहुत मतलब प्यार आ जाएगा आप लोगों को, बस यही मैं कह सकती हूँ आप लोगों को। ये वाला जंगल से जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों का पुराना, जब लास्ट ईयर हम लोग जब दार्जिलिंग गए थे वहाँ पर ही सेम ऐसा ही टाइप का पूरा एकदम लोकेशन था हम लोगों का। मैं और सौरभ दोनों ही बोल रहे थे पूरा एकदम दार्जिलिंग जैसा फीलिंग हो रहा है। और बहुत ठंडा, मतलब ठंडा मतलब उतना भी नहीं है, बट एक हल्का सा एक ठंडा है। और मतलब वेदर भी बहुत डिफरेंट है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सच में प्यार आ जाएगा। आप लोग बस निकल जाइए स्कूटर लेके या फिर बाइक लेके, आप बस निकल जाइए, आप लोगों को ये सफ़र बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली हम लोग चिड़िया टापू बीच पहुंच गए। यहाँ पर जो लेफ्ट वाला साइड दिख रहा है आप लोगों का, वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एंट्री गेट है। यहाँ पर फर्स्ट आप लोगों को नाम एंट्री करना पड़ेगा, फिर आपका व्हीकल नंबर देना पड़ेगा, फिर आप लोग यहाँ पर घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर भी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अंदर जा सकते हैं, बीच का मज़ा ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग एक्चुअली ये वाला मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, चिड़िया टापू बीच 5 o'clock क्लोज़ हो जाता है। तो हम लोग एकदम डॉट 5 o'clock ही गए थे, तो थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे कि भैया 10 मिनट का थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम लोग बस बीच देख कर और थोड़ा फ़ोटो खींच कर ही चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए वो लोग हम लोगों को घुसने दिए हैं अंदर, वरना पहले से ही रेस्ट्रिक्शन दे रखे थे कि 5 o'clock हो गया है, आप जा नहीं सकते। तो हम लोग अंदर गए और पूरा मज़ा लिए। तो चलिए आप लोगों को भी मैं आप ये वाला व्यू दिखाती हूँ।
फाइनली हम लोग चिड़ियाटापू बीच से निकल गए हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से कि जब भी आप पोर्ट ब्लेयर अंडमान आएंगे तो एक बार चिड़ियाटापू ज़रूर घूमिएगा। ये जगह बहुत ही अच्छा है, बहुत पीसफुल है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर अ बीच लवर तो आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला जगह नियर बाई आपका चिड़ियाटापू बीच का ही है। तो आप एक्चुअली हम लोग जब निकल रहे थे चिड़ियाटापू बीच से, वहाँ पर हम लोग एक चाय का दुकान मिले तो हम लोग चाय पिए और ग्रीन चिली का बड़ा भी खाए, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम लोग जिस रास्ते से चिड़ियाटापू बीच आए थे तो वही रास्ते पे से हम लोग जा रहे हैं हम लोगों का मेगापॉट रिसॉर्ट, जहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे और कल के लिए फिर तैयारी करेंगे, पैकिंग वैकिंग भी करना है। सो फाइनली हम लोग अपने रिसॉर्ट पे आ गए हैं, स्कूटर भी वापस कर दिए हैं और ये पूरा अंधेरा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए चलते हैं, क्या खाते हैं हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। सो राइट नाउ टाटा बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग में।